अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम मैथ 101 का लेक्चर नंबर 7 करेंगे, जिसका टॉपिक है ऑपरेशंस और फंक्शन। पिछले लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हमने लेक्चर नंबर 6 के अंदर फंक्शंस का इंट्रोडक्शन किया था एंड उसकी डोमेन और रेंज के बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कशन की थी। दो पार्ट्स हैं उसके और वो दोनों पार्ट्स में हमने काफ़ी डिटेल के साथ उसको डिस्कस कर लिया था। अब हमने फर्दर फंक्शंस पे और डिस्कशन करनी है कि अगर हमने फंक्शंस को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना हो तो उसका क्या तरीक़ाकार है, और मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है ना आपके पास, यानी जो उनको रिजल्टेंट फंक्शन होता है, उसकी अगर हमने डोमेन बतानी है तो वो किस तरह से फाइंड करते हैं। ठीक है जी, तो ये सारी बातें आज के लेक्चर में होने वाली हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक किया करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी कोई वीडियो अपलोड हो। उसके अलावा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें। अगर आपको फ़ायदा होता है इस वीडियो से तो कॉमेंट भी किया करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम मज़ीद ज़्यादा अच्छा काम लेकर आएँ आपके लिए। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपको फर्स्ट पे उन्होंने एग्जांपल ही दे दिए कि फंक्शंस को अगर आपने ऐड करना है तो दो आपको उन्होंने एग्जांपल के तौर पे फंक्शंस दिए हैं यहाँ पे। एक को एफ ऑफ एक्स का नाम दे दिया है, दूसरे को जी ऑफ एक्स का नाम दे दिया है। एक फंक्शन आपके पास है एक्स स्क्वायर और दूसरा है एक्स। कहते हैं कि आप एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स फाइंड करें, यानी दोनों को आपने सिंपली ऐड कर देना है। तो यहाँ पे देखें, हमने लिखा एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो पहले एफ ऑफ एक्स है तो उसकी वैल्यू पुट कर दें एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का साइन एज इट इज़, फिर जी ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू पुट कर दें एक्स। तो ये सिंपल सा तरीका है, आपने क्या करना है, फंक्शंस को ऐड कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कुछ डेफिनेशंस हैं जिसके अंदर हमने मतलब थ्योरम्स आप इनको कह सकते हैं कि अगर दो फंक्शंस इस तरह से लिखे हुए हैं एफ प्लस जी ऑफ एक्स, तो इस ये फाइंड करने को कहा जाए तो इसका मतलब यही है कि आपने ना दोनों फंक्शंस को ऐड कर देना, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। और अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है एफ माइनस जी ऑफ एक्स बताएं, तो इसका मतलब यही है कि आपने एफ ऑफ एक्स में से जी ऑफ एक्स को माइनस कर देना है। इसी तरह से मल्टीप्लाई में भी सेम रूल है, और डिवाइड में भी एफ ओवर जी के साथ अगर बाहर एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब यही बनता है कि आपने फर्स्ट जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स उसको डिवाइड कर देना है जी ऑफ एक्स पे। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन आ जाती है कि ये जो जी ऑफ एक्स है ना, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो आता है तो फंक्शन अनडिफाइन हो सकता है। तो ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। एफ ऑफ एक्स ज़ीरो हो सकता है, उससे कोई इशू नहीं होता। अच्छा जी, अब डोमेन के बारे में अगर हम बात करें कि एफ प्लस जी, एफ माइनस जी और एफ डॉट जी, सिर्फ इन तीनों की बात हो रही है, डिवीन वाले की बात नहीं हो रही यहाँ पे। तो ये जो तीन हैं, इनकी जो डोमेन है अगर ओवरऑल हमने निकालनी हो तो वो क्या होती है, इंटरसेक्शन ऑफ एफ एंड जी। यानी एफ प्लस जी का जो आंसर आया ना, उसकी जब आपने डोमेन फाइंड करनी है तो वो क्या होगा, इन दोनों की जो इंडिविजुअल डोमेन होगी उन दोनों के इंटरसेक्शन लेने से आएगी। इसी तरह से जो डिवाइड वाला फंक्शन है वो भी इसी तरह से आता है, इंटरसेक्शन से आता है, लेकिन उसमें एक कंडीशन होती है, आपने वो पॉइंट्स उसमें से निकाल देने हैं जिसपे जो डिनोमिनेटर है जी ऑफ एक्स वो ज़ीरो आ रहा हो। एग्जाम्पल करते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से इस बात की समझ आएगी कि इंटरसेक्शन हमने कैसे लेना होता है। अब देखें, पहला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। कहते हैं कि आपने डोमेन फाइंड करनी है एफ प्लस जी ऑफ एक्स की। तो पहले तो हम एफ प्लस जी ऑफ एक्स लिख लेते हैं, इसको फाइंड कर लेते हैं। तो अभी हमने पीछे देखा था डेफिनेशंस के अंदर कि इसका मतलब यही होता है कि आपने एफ ऑफ एक्स के अंदर जी ऑफ एक्स को प्लस कर देना है। तो मैंने ओपन करके लिख लिया। अब पहले मैंने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखी है, फिर प्लस लगा के जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखी है। सिर्फ ये दो कांस्टेंट आपस में सॉल्व हो सकते हैं, -1 जो है उसको हम +1 से कट कर देंगे यहाँ पे। तो पीछे हमारे पास बच गया x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 2। प्लस में आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं वैल्यूज़, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, अब ये तो हमने आंसर निकाल लिया। अब आपने जब इसकी डोमेन बतानी है ना, तो आपने ये नहीं देखना कि इसकी डोमेन क्या है, आपने दोनों की अलग अलग डोमेन देखनी है और फिर उनका इंटरसेक्शन लेना है। तो पहले हम एफ ऑफ एक्स की डोमेन देखते हैं। अब डोमेन को मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको काफ़ी डिटेल से वैसे समझा दिया था, लेकिन दोबारा से मैं यहाँ पे बता देती हूँ क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, समझ नहीं आती। तो देखें, एफ ऑफ एक्स जो है उसकी जब हमने डोमेन बतानी है तो डोमेन में मैंने आपको दो कंडीशंस बताई थी। एक तो आंसर अनडिफाइन नहीं आना चाहिए, दूसरा जो है वो आयोटा की फॉर्म में नहीं आना चाहिए। अनडिफाइन कब आता है, अगर ओवर के नीचे ज़ीरो आ जाए। ठीक है, ओवर के नीचे ज़ीरो है तो अनडिफाइन आंसर देगा। और अयोटा कब आता है, जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए। तो हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है, यानी इसके अंदर माइनस में आंसर नहीं आना चाहिए। और माइनस में आंसर कब आएगा, अगर यहाँ पे जो नंबर है वो 2 से छोटा होगा। तो क्योंकि अगर बड़ा है, जैसे 3 माइनस 2 है तो वो तो पॉजिटिव आंसर है, 4 माइनस 2 है तो वो भी पॉजिटिव आंसर है, 2 माइनस 2 करें तो वो 0 आता है, दैट इज़ एक्सेप्टेबल। आपके पास यहाँ पे छोटा नंबर नहीं होना चाहिए, जैसे 1, 1 2 से छोटा है ना, 1 माइनस 2 करेंगे तो -1 आंसर आएगा, ठीक है। इसी तरह से आप 0 माइनस 2 करेंगे तो माइनस, यानी 2 से छोटे नंबर जब आप इसके अंदर पुट करेंगे तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आयोटा की फॉर्म में, यानी इमेजिनरी आएगा। तो इसको अवॉइड करना है आपने, यानी आप 2 से छोटे नंबर इसके अंदर पुट नहीं कर सकते। आपने अपनी जो डोमेन है वो कहाँ से शुरू करनी है, 2 से शुरू करनी है। 2 पुट कर सकते हैं और 2 से पॉजिटिव साइड पे सारे नंबर्स आप इसके अंदर पुट कर सकते हैं। और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आएगी क्योंकि 2 हम पुट कर सकते हैं, 2 इसके अंदर शामिल है। राउंड ब्रैकेट लगाते अगर 2 इसके अंदर पुट नहीं किया जा सकता, तो 2 तो हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट आएगी। इसी तरह से आपने g(x) की डोमेन निकालनी है। g(x) के अंदर ना तो ओवर की फॉर्म में कुछ है, ना ही इसके अंदर अंडर रूट की फॉर्म में कुछ है, ठीक है। तो यानी ये दोनों केसेस यहाँ पे आने के चांसेस ही नहीं है। तो इसलिए इस ऑल रियल नंबर्स -∞ से लेके +∞ तक सारे नंबर्स हम g(x) के अंदर पुट कर सकते हैं। अब हमने f+g की जब डोमेन बतानी है तो आपने इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना है, यानी ये पहली वाली डोमेन लिखें, इंटरसेक्शन लगा के दूसरे वाली डोमेन लिखें। अब इंटरसेक्शन के अंदर आपको पता होगा कि चैप्टर 1 में हमने सेट्स के बारे में पढ़ा था ना, इंटरसेक्शन वो होता है, वो ऑपरेशन है जिसके अंदर आप कॉमन चीज़ लेते हैं। तो दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ठीक है। कैसे, ये नंबर लाइन होती है ना, ये -∞ है, ये +∞ है, बीच में कहीं आ रहा होता है 0, ठीक है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, एक के अंदर ये सारा आ रहा है और एक के अंदर सिर्फ इतना पोर्शन आ रहा है। तो कॉमन वाला पोर्शन तो बस ये हुआ ना, 2 से ∞ तक। तो इसलिए इनकी जो कंपाउंड या कंपोजिट डोमेन होगी, एक साथ इकट्ठे जब आएगी इसकी डोमेन तो वो आएगी -2 से +∞ तक। नेक्स्ट मजीद एक और एग्जाम्पल है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। f(x) = 3√x एंड g(x) = 2√x। आपने f.g(x) की डोमेन फाइंड करनी है। तो f.g(x) का मतलब ये है कि f(x) को g(x) के साथ मल्टीप्लाई कर देना हमने। तो ये f(x) लिखा हमने, g(x) लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई किया, √x 2 दफ़ा आ रहा था तो उसका स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर √के साथ कैंसिल, तो 3x आंसर आ गया। अब आपने इसको तो देखें तो आपकी डोमेन जो है वो क्या बनती है, ऑल रियल नंबर्स बनती है ना, क्योंकि ना तो इसमें फ्रैक्शन है कि अनडिफाइंड का आंसर आने का डर हो हमें, और ना ही इसके अंदर स्क्वायर रूट है। लेकिन हमने इसको देख के नहीं बतानी होती डोमेन, हमने दोनों की डोमेन का इंटरसेक्शन लेना होता है, रूल तो यही है ना। तो हम क्या करते हैं कि इस दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने, अगर आपको याद हो, लेक्चर 6 के अंदर नेचुरल डोमेन और रिस्ट्रिक्टेड डोमेन पढ़ा था, ठीक है। तो नेचुरल डोमेन तो इसकी क्या आ रही है, ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि इसको देख के जो हमें पता चल रहा है वो क्या है कि हम कोई भी नंबर इसके अंदर पुट कर सकते हैं, ना तो आंसर अनडिफाइन होगा, ना आयोटा आएगा। लेकिन रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या होगी, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन दोनों का इंटरसेक्शन लेके आएगी। f(x) की अगर हम डोमेन की बात करें तो इसके अंदर स्क्वायर रूट आ रहा है और स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ x है, यानी इसके अंदर हम 0 तो पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं ना, क्योंकि √0 0 होता है तो फंक्शन का आंसर 0 आ सकता है, वो उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन माइनस में नहीं आना चाहिए √के अंदर, यानी -1 -2 -3। 0 से पीछे वाली वैल्यूज़ नहीं हम पुट कर सकते, आगे वाली कर सकते हैं, 1 2 3, यानी 0 से शुरू करेंगे और आगे की तरफ जाएंगे +∞ की तरफ। तो डोमेन जो होगी इसकी वो क्या होगी, 0 से +∞ तक। इसी तरह से जो g(x) है वो भी स्क्वायर रूट है, सेम वही उसकी भी डोमेन आ जाएगी 0 से +∞ तक। और दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों सेम आ रही है ना, तो 0 से +∞ ही इसकी डोमेन आ जाएगी, दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। अब चलते हैं हम आगे, कुछ नोटेशंस हैं हमारे पास कि फंक्शन को सेम फंक्शन के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है। f(x) को अगर हम f(x) के साथ ही मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो f²x आता है। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि f³x फाइंड करें तो इसका मतलब है कि जो f(x) है उसको ही आपने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देना है। अब उसको जनरल फॉर्म में अगर हम लिखें f∗nx तो आपने f(x) को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है, यानी अगर यहाँ पे पावर 5 होती तो आपने उस फंक्शन को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देना था। एग्जाम्पल के तौर पे एक फंक्शन दे दिया उन्होंने आपको कि sin x का अगर आपने स्क्वायर लेना है तो उसका मतलब यही है कि sin x को आप 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे। और उसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि sin का स्क्वायर x। ये तीनों नोटेशंस ठीक हैं। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हमारे पास आता है जी, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ये जिन्होंने अगर FSC में मैथ पढ़ी है तो उनको तो आता होगा, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नया टॉपिक है, जिन्होंने नहीं पढ़ी मैथ। कंपोजिशन क्या होती है फंक्शंस की, जब आप 2 फंक्शंस को कंपोज कर दें, यानी एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को एम्बेड कर दें, तो वो होता है कंपोजिट फंक्शन या फंक्शन की कंपोजिशन। ठीक है, तो ये थ्योरी थोड़ी सी लिखी हुई है, आप लोग रीडिंग कर लीजिएगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे दो फंक्शंस आपको दिए हुए, एक एफ ऑफ एक्स है और दूसरा जी ऑफ एक्स है। आपसे कहा जाता है कि ये फाइंड करना है, इसे कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। तो इसको एफ ऑफ जी ऑफ एक्स पढ़ते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, और इसको ओपन करके हम इस तरह से लिखते हैं, एफ ऑफ फिर अंदर जी ऑफ एक्स। अब इसको फाइंड कैसे करते हैं? बड़ा ही आसान सा तरीका है। देखें बाहर क्या आ रहा है, एफ आ रहा है ना, तो आप पहले लिख लें एफ ऑफ एक्स, वो क्या है एक्स क्यूब। फिर अंदर इस एक्स की जगह देखें, एफ के अंदर अब क्या फाइंड करना है हमने, जी ऑफ एक्स। तो एफ के अंदर जो एक्स है उसकी जगह हमने क्या पुट कर देना है, जी ऑफ एक्स पुट कर देना है। अगर इस एक्स की जगह जी ऑफ एक्स पुट किया है तो इस एक्स की जगह भी क्या पुट कर देंगे, जी ऑफ एक्स। और इस एक्स का क्योंकि क्यूब था तो जी ऑफ एक्स का भी क्यूब आ जाएगा। अब जी ऑफ एक्स की तो वैल्यू है हमारे पास एक्स प्लस फोर, तो इस जी ऑफ एक्स की जगह हम पुट कर देते हैं एक्स प्लस फोर और इसका होल क्यूब। ये हमारे पास आ गया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जिसको हम यूं भी लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसकी डोमेन जो है वो कैसे फाइंड करते हैं, ये भी वैसे ही आपने इंटरसेक्शन ले लेना होता है दोनों का। एफ ऑफ एक्स की डोमेन फाइंड करेंगे, जी ऑफ एक्स की डोमेन फाइंड करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास इसके कंपोजिट फंक्शन की डोमेन आ जाती है। एग्जाम्पल करते हैं, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स गिवन है और आपसे कहा जा रहा है कि आपने क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और इसकी डोमेन फाइंड करनी है। तो पहले तो हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड कर लेते हैं ना। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में देखें बाहर एफ आ रहा है तो वो हम लिख लेंगे और ओ जी की जगह हम इस तरह से उसको ओपन करके जी ऑफ एक्स लिख लिया। अब वही बात दोबारा से देखनी है हमने कि बाहर क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, तो पहले हम एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। फिर इस एक्स की जगह हमने पुट कर देना है जी ऑफ एक्स। जब इस एक्स की जगह जी ऑफ एक्स पुट किया है तो इस एक्स की जगह भी जी ऑफ एक्स पुट करेंगे और इसका क्योंकि स्क्वायर था तो यहाँ पे इसका स्क्वायर ले लिया। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू जो हमें ऊपर दी हुई थी स्क्वायर रूट एक्स, वो हमने यहाँ इसकी जगह पुट की, इसका स्क्वायर था वो कट हो गया तो एक्स प्लस थ्री आ गया। ठीक है, अब x प्लस थ्री आ गया तो अगर हम वैसे देखें इसकी डोमेन क्या बनती है, ना तो इसमें फ्रैक्शन है ना ही इसमें स्क्वायर रूट है। तो इसका मतलब है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने क्या करना होता है, इंटरसेक्शन लेके फाइंड करनी होती है ना डोमेन। तो हम पहले g की डोमेन और f की डोमेन अलग अलग फाइंड कर लेंगे। जी को अगर आप देखें तो वो स्क्वायर रूट है, ये हमने पहले एक एग्जांपल की है कि इसके अंदर जीरो से ऊपर वाले नंबर आएंगे, नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे। तो इसकी डोमेन हो जाएगी जीरो से प्लस इन्फिनिटी तक और जीरो के साथ आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है क्योंकि जीरो इसमें शामिल है। और इसके अंदर कोई फ्रैक्शन नहीं, कोई अंडर रूट नहीं, इसका मतलब है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स आ सकते हैं इसके अंदर। अब इन दोनों का आपने ले लेना है इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन जो लेंगे वो इसकी डोमेन आएगी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की। और इंटरसेक्शन में कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है, वही बात दोबारा से मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, माइनस इन्फिनिटी है, इधर प्लस इन्फिनिटी है, यहाँ जीरो है। अब जो एफ है उसकी डोमेन ये सारी आ रही है, ठीक है, लेकिन जो जी है उसकी डोमेन सिर्फ इतना पार्ट आ रही है। तो दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है, सिर्फ ये वाला आ रहा है ना, जीरो से प्लस इन्फिनिटी वाला। तो इसलिए इसकी जो इंटरसेक्शन के बाद आंसर आएगा वो कौन सा होगा, जीरो से प्लस इन्फिनिटी तक। और एक और बात यहाँ पे आपने याद रखनी है कि ज़रूरी नहीं होता एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का आंसर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल आए। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, अब देखें पहले जी आ रहा है तो आप जी ऑफ एक्स लिखेंगे, जैसे यहाँ पे जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या था, अंडर रूट एक्स। इसी तरह से बाद में अब एफ ऑफ एक्स है, इसको हम यूं ओपन कर सकते हैं ना, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो अब जी के अंदर क्या है, एफ ऑफ एक्स है, यानी जी के अंदर जो एक्स है उस एक्स की जगह हमने पुट करना है एफ ऑफ एक्स, तो इस एक्स की जगह भी हम पुट कर देंगे एफ ऑफ एक्स। अब अंडर रूट एज इट इज़ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दें जो कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। तो ये आंसर आ गया जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का आंसर आया था एक्स प्लस थ्री। तो देखें दोनों का आंसर इक्वल नहीं है, ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का था और ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का है। तो ज़रूरी नहीं होता कि दोनों का आंसर हमेशा सेम आए। इसी तरह से आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है, एफ ऑफ एक्स फाइंड करें या जी ऑफ एक्स फाइंड करें। तो यही सेम तरीका है, एफ लिखना है, इसको अगर हम ओपन करें तो यूँ लिखेंगे ना एफ ऑफ एक्स, पहले एफ ऑफ एक्स लिखना है फिर अंदर एक्स की जगह दोबारा एफ ऑफ एक्स पुट कर देना है। ठीक है, ये अगर मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन मुझे टाइम मिला तो मैं आप लोगों के लिए उनकी भी वीडियोस बनाऊंगी, उसमें इंशाल्लाह सारी एग्जांपल्स डिटेल से करवाएंगे जो आपके हैंडआउट्स में नहीं दी हुई। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डीकंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। अभी हमने पीछे पढ़ा कंपोजिशन, अब हमने करना है डीकंपोजिशन। कंपोजिशन में हमने दो डिफरेंट फंक्शंस को मिला के एक बनाया। डीकंपोजिशन के अंदर क्या होगा, एक फंक्शन दिया होगा उसको आप दो या तीन फंक्शंस के अंदर डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब एग्जांपल नज़र आ रही है आपको यहाँ पे h ऑफ x इज इक्वल टू x+1 का स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे हम इसको दो फंक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं ना, एक फंक्शन ये वाला बना लें अंदर वाला यानी f ऑफ x को हम कह दें x+1 और फिर एक फंक्शन स्क्वायर वाला बना लें तो g ऑफ x को हम कह देंगे x का स्क्वायर, यानी ये हम इस तरह लिखेंगे एक x स्क्वायर है और दूसरा x+1 है, ठीक है। फिर हमने उसको मिला के लिख दिया, यानी अंदर जो है इसको अगर मैं आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूं यहाँ पे तो अंदर क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स आ रहा है ना, तो हम कह देते हैं एफ ऑफ एक्स का अंदर है और एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हमने जी ऑफ एक्स को कहा है तो जी बाहर है तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ये हमें दिया हुआ था, हमने उसको जो है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया, अंदर वाला एफ ऑफ एक्स कह दिया बाहर वाला जी कह दिया। इसी तरह से एक और एग्जांपल है यहाँ पे एक्स स्क्वायर +1 होल पावर 10, क्या मतलब है, अब जो 10 है उसको हम अगर 2 अंदर रख लें तो 2 5s are 10 होता है, 5 पावर बाहर जाएगी। अब ये अंदर वाला फंक्शन जो है इसको मैं कह देती हूँ कि ये एफ ऑफ एक्स या जी ऑफ एक्स कोई भी एक कह दें, तो जी ऑफ एक्स अगर हम कह देते हैं एक्स स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर तो बाहर जो पावर 5 है इसको अगर हम एक्स कह दें एक्स पावर 5 तो वो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। यानी अंदर वाला फंक्शन जी ऑफ एक्स था बाहर एफ था तो ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स दिया हुआ था हमें। इस तरह से इसको बहुत सारे तरीके हैं इसको अलग करने के, जैसे 2 अंदर रखा 5 बाहर किया, या ऐसे भी मैं कर सकती थी कि 5 अंदर रखती 2 बाहर करती तो यहाँ पे पावर 5 आ जाती, इधर एक्स स्क्वायर आ जाता। इसी तरह से अगर 10 अगर हमने पावर अंदर 3 रखनी है तो 3 10 के साथ हमें नहीं दिया हुआ था और ना ही जो है 10 3 के टेबल पे डिवाइड होता है, तो 3 जब हमने खुद से मल्टीप्लाई किया तो उसको बाहर डिवाइड भी करेंगे। अब अंदर वाले फंक्शन को आप जी ऑफ एक्स कह दें, बाहर वाला जो एक्स पार 10/3 होगा उसको आप एफ ऑफ एक्स कह देंगे। ये एग्जाम्पल देखें, ये अक्सर आ जाती होती है MCQs वगैरह में, इंपॉर्टेंट है कि स्क्वायर रूट है x/3 है और होल पार 3 है, तो देखें इसको आपने डीकम्पोज करना है। अब आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे कि 3 फंक्शंस हैं, एक ये है x/3, एक पावर 3 वाला है और एक अंडर रूट वाला है, तो इसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकती हूँ कि एक जो अंदर वाला फंक्शन है ना इसको मैं कह देती हूँ h ऑफ x, ठीक है। अब h ऑफ x का क्यूब है तो ये क्यूब वाला फंक्शन है उसको मैं कह देती हूँ g ऑफ x, ठीक है। और फिर क्यूब के ऊपर आ रहा है अंडर रूट वाले फंक्शन को मैं कह देती हूँ f, तो ये इस तरह बन जाएगा f ऑफ g ऑफ h ऑफ x। और अब अंदर वाला मैंने कहा था h ऑफ x है यानी x/3 को हमने h ऑफ x कह दिया, फिर क्यूब वाला g ऑफ x कहा है तो x का जो क्यूब होगा वो g ऑफ x हो जाएगा। फिर इसी तरह से मैंने अंडर रूट वाले को बाहर सबसे रखा था f, तो f ऑफ x को मैं कह दूंगी कि वो अंडर रूट है और अंदर सारा x है, ठीक है। इस तरह से हमने फंक्शन को क्या कर लिया, डीकम्पोज कर लिया। अब ये आगे टेबल है, इसमें आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दी गई हैं कि जिसमें आपने फंक्शन को डीकम्पोज करना है, एक इनसाइड फंक्शन होगा एक आउटसाइड फंक्शन होगा। अब x² +1 होल पावर 10 है तो पीछे हमने इसको दो तरीके से अलग करना सीख लिया ना, तीसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप इसको अंदर वाले को जी ऑफ एक्स कह दें और x पावर 10 को एफ ऑफ एक्स कह दें, फिर उसको आप इस तरह से लिख लेंगे। साइन क्यूब एक्स है तो साइन एक्स अंदर वाला फंक्शन है, फिर क्यूब जो है वो बाहर वाला फंक्शन है तो उसको भी आप इस तरह से एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं। और यहाँ पे 1/(x+1) है तो ये जो x+1 है इसको हम जी ऑफ एक्स कह देते हैं और 1/, इसकी जगह अगर हम x कह दें तो वो बाहर वाला फंक्शन हो जाएगा। 10 x/5 है, x/5 को आप अंदर वाला फंक्शन कह दें और यहाँ पे x पुट कर दें तो 10x आ जाएगा। यानी जो भी फंक्शन आपने इनसाइड करना होता है ना उसकी जगह आपने सिर्फ x पुट कर देना होता है, जैसे इसको मैंने इनसाइड कहा था तो इसकी जगह x पुट किया तो x/10 वो आउटसाइड फंक्शन बन गया, क्यूब वाला इसी तरह से, और ये सारे हमने एग्जाम्पल्स कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कांस्टेंट फंक्शंस। कांस्टेंट फंक्शन किसे कहते हैं, कोई भी ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू सेम रहती है कभी भी चेंज नहीं होती उसे हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। यानी जैसे एग्जांपल दी है f(x = 2, अब इसमें x की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर दें इधर आंसर चेंज नहीं होगा क्योंकि इधर तो x है ही नहीं, आप पुट नहीं कर सकते ना, आप f(-2) निकालते हैं, यहाँ तो -2 पुट कर दिया आपने, इधर x नहीं है आप -2 पुट नहीं कर सकते तो ये 2 वैसे ही रहेगा। तो सेम आंसर आ गया। इसी जगह टी पुट कर लें तो भी आंसर सेम आएगा। आप इस एक्स की जगह जीरो पुट कर दें, इधर तो आप जीरो नहीं पुट कर सकते ना क्योंकि एक्स नहीं है, तो ये टू वैसे ही रहेगा। वैल्यू तो आपने एक्स की पुट की, इधर एक्स नहीं था तो वो वैसे ही, यानी आप कोई भी वैल्यू एक्स की पुट कर लें इस फंक्शन का आंसर चेंज नहीं होगा। तो जिसका आंसर चेंज नहीं होता या जिसकी डोमेन जो है आप जो मर्जी कर लें उसकी रेंज जो है वो सेम आएगी, आंसर सेम आएगा, उसे हम कहते हैं कॉन्स्टेंट फंक्शन। उसके बाद दो टर्म्स यहाँ पे आपके पास आ रही हैं, मोनोमियल और पोलिनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? कोई भी एनीथिंग लाइक c x पार n, c कोई भी नंबर हो सकता है कांस्टेंट, x पार n का मतलब है कि आपके पास पावर है, जो पावर है वो n है। n इज़ एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव का मतलब है कि पावर हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तो उसे हम कहते हैं मोनोमियल। जैसे 2x पार 5, तो ये c की जगह कांस्टेंट आ गया और इसकी जो पावर n है वो क्या है, नॉन नेगेटिव है यानी पॉजिटिव है। इसी तरह से यहाँ पे √3 c की जगह आ गया और x की पावर n कोई भी पॉजिटिव नंबर। ये एग्जांपल्स होंगी मोनोमियल की। इसी तरह से अगर इसको देखें तो कांस्टेंट तो है साथ में, लेकिन पावर जो है वो माइनस में आ गई है, तो पावर नेगेटिव तो नहीं होनी चाहिए ना मोनोमियल के अंदर, ये मोनोमियल नहीं होगी। इसके अंदर भी देखें, ये इंटीजर नहीं है, ये तो फ्रैक्शन के अंदर आ गया, तो ये भी मोनोमियल नहीं होगी। नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये याद रखना है आपने, इंटीजर हो और नॉन नेगेटिव हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होना चाहिए आंसर। अच्छा, पोलिनोमियल इन एक्स, मोनोमियल तो थी एक टर्म, पोलिनोमियल का मतलब है जिसमें एक से ज़्यादा टर्म हो, विच हैव मोर देन वन टर्म। जैसे 2x² + 3x + 1, अब इसके अंदर 3 टर्म्स आ गई, 2 + 5/3x², इसके अंदर 2 टर्म्स आ गई और पावर सबकी पॉजिटिव है, किसी की भी नेगेटिव पावर नहीं है, तो ये होगी पोलिनोमियल। ठीक है जी, तो लेक्चर 7 हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में लेक्चर 8 करेंगे और लेक्चर 8 बहुत छोटा सा है तो बहुत जल्दी हो जाएगा हमारा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। कोई सजेशन हो तो वो भी लाजमी दिया करें।